नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं मनीष भदौरिया। सुल्तानपुर जिले में ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और प्रशासन की तरफ से ठंड को लेकर कोई खासा इंतजाम नहीं किए गए हैं और रैन बसेरों का भी यही बुरा हाल है। सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की कोई भी व्यवस्था नहीं दिख रही है, लोग बेहाल हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुल्तानपुर जिले में पड़ रही ठंड से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है, फिर भी प्रशासन की तरफ से सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की कोई भी व्यवस्था ना होने से लोग बेहाल हैं। कोई खुले में कमाने के लिए टहल रहा है तो कोई मजबूरी में जल रही आग तप्तों के सहारे अपनी सर्दी दूर कर रहा है। तो वही सुल्तानपुर जिला प्रशासन जनपद में चार रैन बसेरे का ढिंढोरा पीट रही है, पर सच्चाई कुछ और ही है। यहाँ रैन बसेरों पर आम आदमियों का आना जाना नहीं है। दरअसल सुल्तानपुर के जिला अस्पताल में मरीजों की बात सुनने वाला कोई नहीं है, यहाँ तक कि मरीजों को सरकारी कंबल तक नहीं मिले। और तो और, जिला अस्पताल परिसर में बने रैन बसेरा तो खुला जरूर है, क्योंकि ये रैन बसेरा बिल्कुल अस्पताल के पीछे की तरफ है, जहाँ रैन बसेरा जैसी कोई बात है ही नहीं। और इस रैन बसेरे में रहते भी है तो केवल एक नहीं, दर्जनों एम्बुलेंस चालक महीनों से नहीं बल्कि वर्षों से ये रैन बसेरों के कमरों पर कब्जा किए बैठे हैं। ऐसे में तमीरदार परेशान है, जाए तो जाए कहां, और रही यहां अलाव की व्यवस्था तो मात्र एक ही जगह यहां अलाव जलाया जा रहा है, पर सीएमएस का कहना है कि कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है, पर हकीकत में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। तो फिर आम आदमी उस रैन बसेरे में कैसे रात की ठंड से बचा सकता है? देखिए, एक तो ठंड का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ गया, जैसा आप बता रहे हैं, देख भी रहे हैं, चारों तरफ बीमारों की संख्या भी बढ़ी है। इसमें सांस फूलने वाले, दिल के मरीज या ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। तो एक तो ये है कि वार्डों में व्यवस्था हमने किया है कि दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली, दवाएँ हैं, ज़्यादातर दवाएँ उपलब्ध हैं। दूसरी चीज़ है कि वार्डों में जो मरीज भर्ती हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था, और कई जगह पर वार्डों में आवश्यकता पर हीटर की भी व्यवस्था करी है। दूसरे, चिकित्सालय परिसर में तीन जगह पे अलाव जल रहे हैं। रैन बसेरा जो है वो पेशेंट के अटेंडेंट्स जो हैं उनके लिए रैन बसेरा कार्यरत है, वहाँ पर भी अलाव की व्यवस्था की गई है। सरकार ने आम जनता के लिए सरकारी रैन बसेरे बनवा रखे हैं, पर अलाव और दूसरी व्यवस्था ना होने से जिला प्रशासन की तरफ से बनाए गए रैन बसेरे का कोई लाभ ना ही कोई उठा पा रहा है और ना ही उठा पाएगा। तो उधर सुल्तानपुर के बस स्टैंड के पास लोग बसों के इंतजार में कोई कोने में तो कोई आग की दुकानों के पास रात काट रहा है। इस जगह भी कोई अलाव नहीं जल रहा है। अलाव को लेकर व्यवस्था ये है कि चौराहे चौराहे पर अलाव जलना चाहिए, अभी उस हिसाब से उसकी व्यवस्था में खास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जितनी अलाव होनी चाहिए हर चौराहों पे। और रैन बसेरों के लिए भी थोड़ा सा कंबल वितरण होना चाहिए, कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए। जो रैन बसेरों में हैं लोग, अभी उतने स्तर पर नहीं गिराए जाते हैं, इस स्तर पर गिरनी चाहिए। जैसे पहले व्यवस्था थी उस हिसाब से व्यवस्था नहीं है अभी। ठंड के लिए अलाव हर चौराहे पर, हर गली मोहल्ले के पार लगभग लगभग जलना चाहिए। परिवहन विभाग के अधिकारी भी लापरवाह बने हुए हैं इस बर्फीली ठंड से। हर साल प्रशासन ठंड आते ही रैन बसेरे की व्यवस्था और अलाव की यहां व्यवस्था कर देता था, लेकिन इस बार अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन और नगर पालिका है। सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन पर भी रात में अधिकतर ट्रेन लेट होने से यात्री परेशान होते हुए यहाँ पहुँचते हैं। रेलवे परिसर में अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है, यात्री फर्श पर लेटकर रात गुजार रहे हैं। हर साल प्रशासन ठंड आते ही रैन बसेरे की व्यवस्था यहां कर देता था, लेकिन इस बार यहां भी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इसके जिम्मेदार जिला प्रशासन और नगर पालिका ही हैं, जहां हर साल अलाव के लिए लाखों रुपए आते हैं, जिसे मिलकर दोनों विभाग डकार जाते हैं। पूरे जिले में ठंड का प्रकोप है, लेकिन प्रशासन है कि उसके कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन से प्रत्येक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलवाने का आदेश है,
और इसका पैसा भी आता है तो वो पैसा आखिर कहाँ चला जाता है, जबकि इतनी ठंड में भी प्रशासन अछूता बना हुआ है और अलाव की कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, ना ही कहीं अलाव जले हैं। देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन आखिर कब तक यहाँ लोगों को ठंड से बचाने का इंतजाम सही तरीके से करवाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमारी खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।